Good evening, students. As we have discussed in yesterday's topic about DIF algorithm, in which we have break the sequence in two equal parts, that is from x0 to x3, then x4 to x7. Now, the sequence is again decimated in further smaller parts, that is 2 point DFT. पिछली स्टेज में हमने पूरे DFT को हमने दो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में लाइक फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ में डिवाइड किया था, 0 से लेके 3 तक एंड देन 4 से लेके 7 तक. अब 0 से लेके 3 तक की स्टेज में अगेन दो डिवीजन होंगे और 4 से लेके 7 तक की स्टेज में अगेन दो डिविजन्स होंगे. लाइक x2k एंड x2k1 फर्दर डिवाइड होंगे 2 point DFTs में. तो हमारा x2k जो था वो इवन सीक्वेंस्ड DFT था, जिसमें हमने xn plus n by 2 को हमने gn से कंसीडर किया था, विच इज रिटर्न हेयर. नाउ इस पूरी सीक्वेंस को हमें फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड करना है. दो पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए जो हमारी लिमिट थी 0 से n by 2, इसको हमें 0 से n by 4 तक लेके जाना है. बिल्कुल प्रोसेस सेम है जो हमने n by 2 के लिए किया था. द ओनली डिफरेंस इज वी हैव टू ब्रेक दिस पॉइंट, वी हैव टू ब्रेक दिस DFT इनटू नाउ 2 DFT, 2 point DFTs. सो दिस लिमिट विल बी 0 to n by 4 minus 1, gn wn 2nk plus n by 4 to n by 2 minus 1, gn wn 2nk. अब अगेन इन दोनों में लिमिट 0 से n by 4 करने के लिए हमें जो सेकेंड वाला पार्ट है, दिस पार्ट, इसको हमें 0 से n by 4 के लिए इसमें gn plus n by 4 करना पड़ेगा और wn2n की जगह पे हमें n plus n by 4 पुट करना पड़ेगा. सो दैट द कंप्लीट इक्वेशन विल बिकम n = 0 to n by 4 minus 1. It is to be noted that is n by 4 minus 1 means we are taking n = 8 point DF, that is 8 by 4, that is 2 2 minus 1 1, that is this sequence will give vary from 0 to 1, gn wn 2nk, plus 0 to 1, gn plus n by 4 wn 2nk wn n by 2k. And this Wn n by 2k will again, like in previous topics, will be written as minus 1 to the power k. Now next is to make this minus 1 to the power k plus or minus, we have to put either even or odd. अगर ये k की value हमारी even होती है तो this two values will get added, और अगर ये k की value हमारी odd होती है तो these two values will get subtracted. So the first case will be if k is even, तो हमें equation number 7 में क्या put करना पड़ेगा, k की जगह पर 2k. So the value will be n = 0 to n by 4 minus 1, gn plus n by 4 wn 4nk, because हमने k की जगह पे 2k put किया है. So again this value will be considered as an. The complete x4k will become n = 0 to 1, an wn by 4nk, क्योंकि हम wn to the power 4nk को हम wn by 4nk लिख सकते हैं. सिमिलरली अगर हम k की वैल्यू ऑड लेते हैं तो ये जो इक्वेशन 7 में -1 to the power k है वो क्या हो जाएगा, 2k plus 1, सो दैट दिस बिकम -1. तो द एक्स 4k प्लस 2 विल बी समेशन n = 0 to n by 4 minus 1, gn minus gn plus n by 4 wn 2n wn 4nk. नाउ द कंप्लीट सीक्वेंस अगेन इन सब में बिल्कुल वैसे ही पुट किया है हमने जैसे हमने 4 पॉइंट डीएफटी में किया था. gn minus gn plus n by 4 को हमने एक दूसरी वैल्यू bn से सब्स्टिट्यूट किया है, सो दैट द कंप्लीट सीक्वेंस विल बिकम x 4k plus 2, समेशन n = 0 to n by 4 minus 1, bn wn to the power 2n wn by 4 nk. इक्वेशन 9 एंड 11, दिस इज इक्वेशन 11 एंड द प्रीवियस पेज वी हैव इक्वेशन नंबर 9.
will become an plus bn wn 2n. तो वैल्यू ऑफ ए और बी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, बिकॉज दे आर ओनली टू पॉइंट डी एफ टी, सो द वैल्यूज विल बी ओनली जीरो एंड वन इन बोथ द केसेस, बीट ए एंड बी. सो ए इक्वल्स टू जी जीरो प्लस जी टू, जी वन प्लस जी थ्री, एंड बी जीरो विल बी जी जीरो माइनस जी टू, एंड बी वन विल बी जी वन माइनस जी थ्री, एंड द वैल्यूज ऑफ ए एन एंड बी एन विल बी ओनली टू पॉइंट डी एफ टी, varies from 0 to 1. जैसा हमने even point के लिए decomposition किया, बिल्कुल similarly उसी तरीके से हमें 2k plus 1 का decomposition करना है for 2 point DFT, that is x2k plus 1 n equals to 0 to n by 2 minus 1 hn wnn wn 2nk. So it will give you अगेन इवन और ऑड पुट करने पर एक माइनस वन टू द पावर टू के प्लस वन आएगा, उसमें एक बार इवन पुट करेंगे दैट माइनस वन बिकम प्लस वन, और एक बार ऑड पुट करेंगे दैट माइनस वन विल गिव यू अ माइनस वन ओनली. सो सी जीरो एंड सी वन विल गिव यू एच जीरो प्लस एच टू, सी वन विल गिव यू एच वन प्लस एच थ्री, डी जीरो विल बी एच जीरो माइनस एच टू, एंड डी वन विल बी एच वन माइनस एच थ्री. सो द कंप्लीट डी आई एफ फॉर सेकेंड स्टेज will be like that. 0, 1, 2, 3 हमारी चार first values, 4, 5, 6, 7 हमारी next four values, alternate value like first half की first value, second half की first value will get added to get first G0, then G1 will be X1 plus X5, G2 will be X2 plus X6, and G3 will be X3 plus X7. इसमें एक छोटी सी ट्रिक याद करने के लिए ये है कि जो फर्स्ट फोर हाफ या जो भी हमारा फर्स्ट हाफ हमने डिवाइड किया है, वो वैल्यूज़ अगर डाउनवर्ड्स आती हैं तो हमारी नीचे हाफ की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है. फॉर एग्जांपल x0 अगर x4 का एरो हमारा ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स दिस वैल्यू विल गेट एडेड, बट x0 अगर डाउनवर्ड्स आ रहा है, दिस वैल्यू x4 विल बी विथ अ नेगेटिव वन साइन. सिमिलरली ए और बी में भी ये चीज़ नोट करना, अगर ए ज़ीरो है इसमें जी ज़ीरो अपवर्ड, एंड अगर हमारा जी टू अपवर्ड्स जा रहा है तो ए ज़ीरो में ये दोनों वैल्यू ऐड होंगी, बट अगर हम ए वन की वैल्यू या बी ज़ीरो की वैल्यू लेते हैं तो जी ज़ीरो के साथ ये जी टू जो है वो नेगेटिव के साथ आता है. ये एक छोटी सी ट्रिक है, जब पूरा डेसिमेशन कंप्लीट हो जाएगा आई विल गेट बैक टू यू विद दिस पॉइंट. Now again I am requesting you to go through the final stage to get the value of A0 and A1, B0, B1, what would be the value for 2 point DFT so that we can obtain the final stage of DIF FFT. So it is again requested to you, to all the students, to come up with some doubts so that I can understand what is the lecture that you are getting through video lectures. So thank you students, stay at home only, be safe, take care.